नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एरिया में। आज हम अपने आर्टिकल 371 को इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम आर्टिकल 371 जे की बात करते हैं। जो जे का रिलेशन है वो कर्नाटका से रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि कर्नाटका का बॉर्डर किस किस स्टेट से लगता है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन छह स्टेट से बॉर्डर लगता है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये जो आर्टिकल 371 जे है इसका रिलेशन कर्नाटका से है। तो बात करते हैं क्या स्पेशल प्रोविज़न कर्नाटका को दिए गए हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर, जो प्रेसिडेंट है सॉरी प्रेसिडेंट जो है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो गवर्नर को पावर देते हैं कि जो स्टेट है उसके अंदर जो रीजन है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, उसके लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। उस रीजन में कौन कौन सी एरिया आते हैं? गुलबर्गा, पिदार, रायचूर, कोप्पल, यादगीर एंड बेलरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुलबर्गा, पिदार, रायचूर, कोप्पल, यादगीर एंड बेलरी। ये कहता है कि इस रीजन के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। गवर्नर को शक्ति कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। और जो इसकी रिपोर्ट होगी हर साल की, वो पेश की जाएगी विधानसभा में। जो रिपोर्ट होगी आर्टिकल 371 जे में, ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो रिपोर्ट होगी हैदराबाद कर्नाटका रीजन में, जो ये छः डिस्ट्रिक्ट आती हैं, छह एरिया आते हैं, गुलबर्गा, बिदार, रायचूर, कोपल, यादगीर, बेलरी, इसकी जो रिपोर्ट होगी वो विधानसभा में हर साल पेश की जाएगी। और क्या है इसमें? सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर्स में थी। ये आर्टिकल बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि जो इक्विटेबल एलोकेशन होगा फंड्स का, वो होगा और ओवर द रीजन में एक्सपेंडिचर जो होगा खर्चा, हम रिजर्वेशन कर सकते हैं एजुकेशन में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूशन में, जिससे रीजन का डेवलपमेंट हो सके जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं। और जो फिफ्थ दे रखा है वो ये दे रखा है कि गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उस रीजन को रिलेशन, वो जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है उसमें हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये पाँच बातें कही गई हैं। क्या क्या कही गई हैं? पहली कि कर हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हर साल विधानसभा में पेश होगी, जो फंड होगा इक्विटेबल एलोकेशन होना चाहिए उस फंड का, चौथी रिजर्वेशन कर सकते हैं एजुकेशन और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहाँ के उस रीजन के बच्चों के लिए, पाँचवीं कि जो रिजर्वेशन है स्टेट सर्विसेज में हम उसको भी दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उस रीजन के लिए उन बच्चों को। ये पांच चीज़ें दी गई हैं। ये कहता है कि जो ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन की बात कही गई है, इसको 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012 में डाला गया था। इसमें स्पेशली ये कहा गया है, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें स्पेशली कहा गया है कि ये जो डेवलपमेंट, ये जो एरिया है हैदराबाद कर्नाटका, इसके डेवलपमेंट के लिए इसके जो बच्चे हैं वो एनहांस कर पाएँ स्टेट में, अपना एक रेस्पेक्टिव लाइफ जी पाएँ, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए उनको जिससे वो अच्छे से एजुकेशन ले सकें। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल है उसने 2010 में कानून पारित किया इस रीजन के लिए, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। किस लिए पारित किया था? कि जो एक्सिलरेट जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से बढ़ सके उस बैकवर्ड रीजन में स्टेट के, और इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो हर एक सेक्शन है कंट्री का, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, पुअर, रिच, एवरी सेक्शन, उसके पास तक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जा पाए। उसके पास जो ग्रोथ है और जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे सेक्शन में, जो आजकल आप देखते होंगे, ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे रिलीजन और कास्ट पे बेस्ड होता है।
तो जो डिस्पैरिटीज हैं हम अच्छे से डेवलप कर पाएँ, अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए ये कानून पारित हुआ था उस रीजन में। तो दोस्तों आर्टिकल 371 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया इस लेक्चर के साथ ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने का। थैंक यू वेरी मच।